हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। काफी सर्च में इसका मैसेज आ रहा है कि वे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी कॉमन। हर स्टूडेंट साथ ऐसा जरूर होता है। पूरे एक साल तक लगातार पढ़ना इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। आई कैन अंडरस्टैंड अभी तुम्हारे मोस्ट ऑफ डेज वेस्ट हो रहे होंगे। तुम सुबह उठ रहे होगे, बोलते होगे कि मैं 10-11 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, फिर 10-11 बजते तुम सोचते हो मैं दोपहर से पक्का पढ़ूंगा, फिर दोपहर होते तुम दोपहर में भी नहीं पढ़ते, सोचते रात में पढ़ूंगा, रात में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, तो वो तुम्हारा पूरा डे एक तरीके से वेस्ट जा रहा है। तुम उतनी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हो और जिस स्पीड से कट ऑफ आगे बढ़ता जा रहा है, यू हैव टू बी परफेक्ट। भले ही साल पेपर कैसा भी आए, थोड़ा हार्ड आए, मीडियम आए, कैसा भी आए, बट तुम्हें अपनी तरफ से एक परफेक्ट प्रिपरेशन तो करके जानी है। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू सम ऑफ वेरी गुड टिप्स जिसके कारण तुम्हारे जो डेज पूरी तरह वेस्ट जा रहे थे, तुम इसे प्रोडक्टिव डेज में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, लेट्स बिगिन। ओके, पॉइंट्स में रखते हैं। नंबर वन, हैव अ टारगेट। एक टारगेट रहना चाहिए कि तुम्हें अगले दिन में क्या पूरा कंप्लीट करना है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा कैसा सिलेबस चल रहा है, किस स्पीड से तुम चल रहे हो, सो कंटिन्यू रखो। बट एक टारगेट रहना चाहिए कि अगले दिन तुम्हें इतना सारी चीजें कंप्लीट करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डील विद दिस इज, एक भी टारगेट तुम्हारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो टारगेट तुम बना रहे हो उस दिन का, उसे उसी दिन में कंप्लीट करना है। ये एक प्रॉमिस है तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए कि एक भी टारगेट तुम्हारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो टारगेट है उसे उसी दिन खत्म करो, वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो मौज मस्ती करनी है कर सकते हो, जहां पर टाइम स्पेंड करना है वहां कर सकते हो, बट वो टारगेट उस दिन का कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो लास्ट में इसको समराइज करूंगा कैसे तुम्हें इन सभी पॉइंट्स को एक साथ यूज करना है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है उस टाइम को यूज करना जिस टाइम को तुम वेस्ट करते हो। तो ये तुम करोगे कैसे? वॉच वीडियोस। नहीं, वीडियोस मतलब तुम्हें कोई फालतू की दर्द वाली वीडियोस नहीं देखने को, तुम्हें कोई रील या शॉर्ट देखने को नहीं कह रहा हूं मैं, बल्कि तुम्हें वीडियोस देखनी है अपने कोर्स वाली वीडियोस। कोई मोटिवेशन स्ट्रेटजी वीडियोस नहीं देखनी है तुम्हें, देखनी अपनी कोर्स की वीडियोस। जिस भी टाइम को तुम सबसे ज्यादा वेस्ट करते हो, मोस्टली मेरे टाइम पर अगर बात करूं तो मेरे टाइम में दोपहर का टाइम रहता था। तुम्हारे में जो भी टाइम रहता है जिससे तुम मोस्टली वेस्ट करते हो, उस टाइम तुम फोन चलाते हो या कुछ और करते हो, उस टाइम में तुम्हें वीडियो देखनी है अपने कोर्स की वीडियोस। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर उम्मीद सी चल रही थी यूट्यूब पे जो फ्री है, अगर मैं फ्री की बात करूं तो उसमें तुम यूट्यूब में कोई भी फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं रोटेशन मोशन देख लूंगा। अराउंड 8 घंटे की वीडियो है, तो अगर मैं एक दिन में देख रहा हूं तो मैं एक दिन में 2 से 3 घंटे उसमें देख लूंगा। अगर मैं 3 घंटे अपने दिन में वेस्ट करता था तो मैं ऐसी टारगेट बनाऊंगा कि मेरे को अगले दिन में 3 घंटे इस वाली वीडियो का कंप्लीट करना है। तो मैं उस दिन का जो टाइम वेस्ट करता था उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय मैं इसको कंप्लीट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है। ये मेरा प्रॉमिस है कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, तो मैं उस वीडियो को कंप्लीट कर लूंगा। अगर तुम बहुत ज्यादा ही बोर हो रहे हो, तुम वो वीडियो भी देख पा रहे हो, तो एक ऐसी वीडियो देखो जिसमें एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, जो पीवाई क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। उन वीडियोस को देखो जो क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे अंदर भी एक एबिलिटी आएगी किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, कैसे फास्ट सॉल्व किया जा सकता है। इससे भी तुम साथ में सीखोगे। इसके अलावा जो तुम टाइम वेस्ट करते थे उस टाइम वेस्ट होने की जगह इस जगह पे यूज होगा। दिस इज द पावर ऑफ वॉचिंग वीडियोस। मुझे मालूम है अभी तुम वीडियोस देख रहे थे मगर शॉर्ट्स या रील्स देख रहे थे ज्यादातर, बट अब तुम वीडियोस देखोगे जो तुम्हारे कोर्स के रिलेटेड है, फिर तुम एमसीक्यूज देखोगे ताकि तुम्हारा आगे बढ़ता रहे। तो जो टाइम तुम्हारा वेस्ट होता था 100%, अब उनमें से 70-80% तुम्हारे नीट के लिए आगे बढ़ जाएगा। तुम क्वेश्चन को देखोगे, सीखोगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ लास्ट थिंग जिसके कारण सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, वो है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन दो जगह से आता है। पहला, जो तुम याद कर रहे हो तुम उसे भूलते जा रहे हो, इसके कारण डीमोटिवेशन आता है। सेकंड, डीमोटिवेशन आता है तुम्हारे मॉक टेस्ट से। अगर इसके अलावा से अगर तुम्हें कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, डीमोटिवेशन आ रहा है, तो वो सारी चीजों को तुम रिमूव कर सकते हो पहले दो टेक्निक से। तुम अपना एक टारगेट बनाओ और साथ में वीडियोस देखो जो तुम्हारे कोर्स रिलेटेड होंगे, तुम्हारे बाकी सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएगी। तुम इसे डेली बेसिस पे करते जाओगे, अपने आप ये सब रिमूव हो जाएगा। बात करते हैं कि डीमोटिवेशन का, जो तुम इन दो चीज से आ रहा है उसको कैसे रिमूव करोगे। सबसे पहले चीज, जो तुम चीजें भूलते जा रहे हो उसको कैसे ठीक करोगे। इसका सिंपल ट्रिक है, अगर तुम किसी रूम में रहते हो और तुम्हारे रूम में अगर स्टिकर चिपकाने का अलाउड है, जो भी चीजें याद करने वाली है उसको सामने चिपका लो। तुम सोच रहे हो कि फालतू की चीजें इसका क्या यूज है, बट अगर तुम उसे डेली बेसिस पे देखोगे तो तुम्हें वो याद हो जाएगी। जब भी तुम पढ़ना स्टार्ट करने वाले होगे, एक बार उन सभी जो भी पेपर्स लगे हुए हैं उनको एक बार रीड मार लो, बस एक बार रीड मार लो, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। जब तुम वापस जा रहे हो पढ़ के उठ के, तो वापस एक बार जो भी चीजें लिखी हुई है उसको एक बार रीड मार लो। जब तुम ब्रश करते हो, ब्रश करने से पहले एक बार रीड मार लो, फिर ब्रश करो, फिर ब्रश करके वापस, जब तुम वापस हट रहोगे वहां से, फिर एक बार वापस रीड कर लो। तुम एक दिन में 5 से 6 बार इन सभी चीजों को रीड कर लोगे, तो सारी चीजें अपने आप तुम्हें याद होती रहेगी और तुम्हारे मॉक टेस्ट में दिखेगी। तो इस तरीके से तुम्हारा मॉक टेस्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर स्पेशली बात करूं मॉक टेस्ट के लिए, तो उसके लिए अलग से कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन करोगे उतना वो बेटर होता रहेगा। और जैसे मैंने बात करी कि तुम जो चीजें भूलते जा रहे हो उसको अपने सामने लिख लोगे तो काफी बेटर रहेगा। अगर तुम इनकेस लिख ही नहीं सकते अपने सामने, तुम्हें दीवार पे लिखना कुछ अलाउड नहीं है, स्टिकर चिपकाना अलाउड नहीं है, तो तुम जो भी कॉपीज में लिखते हो उसके जो फर्स्ट वाला पेज रहता है उसमें तुम लिख लो, जो फर्स्ट वाला पेज रहता है, ताकि तुम जब भी कॉपी को खोलोगे जिसमें तुम नॉर्मली पढ़ते हो, उस कॉपी के जो फर्स्ट वाला पेज है, जो जिससे तुम कूट कहते हो, कार्डबोर्ड जो भी कहते हो, जो चीज उसमें लिखी है उसको पहले पढ़ लो, पहले बार उसको रीड कर लो पूरा, फिर वापस तुम अपनी कॉपी को जो पढ़ना जा रहे हो उसको पढ़ना स्टार्ट करो, फिर जाते समय वापस एक बार उसको रीड कर लेना। इसके अलावा एक चीज और, जिसके कारण मॉक टेस्ट में स्कोर काफी अच्छा इंप्रूव होता है, एंड आई विल रिक्वेस्ट, इट इज मस्ट फॉर एवरी एस्पिरेंट, अपने साथ एक मिस्टेक कॉपी रखो, छोटी रखो, बड़ी रखो, कैसे भी रखो। जो भी तुम गलतियां करते हो अपने मॉक टेस्ट में, जब ऑनलाइन देते हो, ऑफलाइन कैसे भी देते हो, जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स है उस मिस्टेक्स को अपनी कॉपी में लिखते जाओ।
जो भी चीजें तुम लिखते जा रहे हो उसको तुम सीखोगे तभी तुम आगे बढ़ते जाओगे। सो एट लास्ट तुम्हें इन सभी चीजों को एक साथ समअप करना है, उन सभी को एक साथ यूज करना है। बट आई नो कुछ डेज ऐसे होते हैं जहां पर तुम इनमें से एक भी चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। सो द बेस्ट एडवाइस एट दैट डेज इज टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले लो और जैसा मैं करता था तुम वैसा कर सकते हो, फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो तुम वो कर सकते हो। मैं एक मूवी देखता था, तुम कभी कोई अच्छी मूवी देख सकते हो, फिर रोमांटिक मूवी देखने में चले जाना कि तुम फ्लो में आगे कुछ बढ़ते चले जाओ। जैसे कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन की मूवीज देखता था, पता नहीं क्यों उनका ज्यादा कुछ सेंस भी नहीं है, फिर फ्री में उन्हीं को देखता था, मुझे वो टाइम पास के लिए थोड़ा सही लगता था, फिर वापस अपनी पढ़ाई पे लौट जाता था। तो तुम्हें अगर बहुत ज्यादा लो लगता है तो तुम एक मूवी देख सकते हो या फिर जो भी तुम्हें हॉबीज है तुम उसको कर सकते हो ताकि तुम उस लो टाइम में भी कुछ प्रोडक्टिव कर पाओ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एक टारगेट बनाओ, एक भी टारगेट टूटना नहीं चाहिए। सेकंडली अगर तुम्हारा लो टाइम लग रहा है तो तुम उस टाइम पे वीडियोस देखो, कोई फालतू वीडियोस नहीं, तुम्हारे कोर्स रिलेटेड वीडियोस देखनी है जिससे तुम्हारा अच्छा आउटकम बने। थर्डली मॉक टेस्ट, एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, मॉक टेस्ट तुम्हारे सबसे असली दोस्त है। मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी। इन सभी से डरो मत, इन सभी को और ज्यादा करो ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके साथ मतलब जल्दी किसी और वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, बी कंसिस्टेंट, जैसा कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, यू विल मेक इट, आई नो यू विल। Today we will learn about management of stock. Unlike other diseases, shock is an emergency condition and thus has to be treated faster and effectively. And the thing is, different types of shock are treated differently and managed differently. So we must know what is the type of shock and how to, we have to treat them. So let's just start. So in the beginning we have a very short but acute question. What is shock? We all know what is shock. Shock is decreased tissue perfusion of blood and oxygen to the tissues. And we can see this in the definition. Shock is a clinical condition of organ dysfunction resulting from an imbalance between cellular oxygen supply and demand. पकड़ने नहीं आ रहा है तुम लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू। शक्य प्रीति उपेक्षा प्रकृति स्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधः। Thank you.